छत्तीसगढ़ के धमतरी से है, जहां कांकेर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग मंगलवार को धमतरी जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग ने मीडिया से चर्चा करते हुए पीएम मोदी की गारंटी और छत्तीसगढ़ में चल रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही पीएम और सीएम की योजनाओं को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही। इसके साथ ही प्रत्याशी भोजराज नाग ने आगामी लोकसभा चुनाव में पूरे भारत में 400 प्लस सीटों में जीत और छत्तीसगढ़ की पूरी 11 की 11 सीटों में भाजपा का जीत दावा किया। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। शीर्ष नेतृत्व और संगठन का विषय है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के आधारित पार्टी है। वो समय समय पे सभी कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ जहां पे उनकी उपयोगिता है ऐसे दायित्व देने का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का है कि कभी किसी का दायित्व बदल जाता है या कभी किसी, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी हैं वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनका दायित्व बदला, बहुत सारे विपक्षी लोग हो हल्ला मचा रहे थे, लेकिन आज देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरे छत्तीसगढ़ का कमान दे दिया। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी किसी भी जो कार्यकर्ता है काम करने वाले उसको अच्छा दायित्व मिलने की संभावना रहती है। और दूसरी पार्टी में परिवारवाद की पार्टी होती है।